हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी कॉजेस फॉर विच औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दी डाउनफॉल और डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें वी हैव डिस्कस द जनरल कॉजेस बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इन दिस वी विल स्पेसिफिकली फोकस अपॉन द औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड दी डाउनफॉल। सो बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंट्रोडक्शन, वी हैव डिस्कस द जनरल कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वी हैव डिस्कस ऑल द कॉजेज। नाउ इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉजेज फॉर विच औरंगजेब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो देखिए, बड़े सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट ही इज द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच जो औरंगजेब जो मुगल एम्पायर उसका डिक्लाइन हो जाता है। बट ऐसा बोलना एक मिस्टेक होगी, बिकॉज एक इंसान को हम पूरे एम्पायर के डाउनफॉल की सजा नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज नॉट द ओनली वन हुज रिस्पॉन्सिबल। देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दी डाउनफॉल। ठीक है, तो पूरी तरीके यस, औरंगजेब की डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स थे विच लेड टू द डाउनफॉल, बिकॉज बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। ठीक है, तो बट अभी हम औरंगजेब की के क्या कारण थे जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी से। तो देखिए, औरंगजेब को फिनेटिक रूलर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी उसने अडॉप्ट करी थी, इट लेड टू द डाउनफॉल। जैसे कि देखिए, हिंदूज जो थे, आपको पता है कि हिंदूज बहुत थे उस समय पे, बिकॉज इंडिया है तो हिंदू रिलीजन को बहुत लोग फॉलो करते हैं। एंड अकबर ने एक हारमनी राजपूत के साथ, हिंदूज के साथ मेंटेन कर ली थी। ही वॉज अ रिलीजियस टॉलरेंट किंग, एंड जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से कास्ट कलर क्रीड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, जिसकी वजह से ही वॉन ओवर दी हार्ट ऑफ हिंदूज ऑल्सो। तो वो सब उसको सपोर्ट करते थे। बट आप औरंगजेब के उसमें देखोगे, ही वॉज अ स्टॉन्च सुन्नी। ना सिर्फ हिंदुओं को, आप देखोगे वो शियाज को भी फेवर नहीं करता था किसी तरीके का, वो सबसे अगेंस्ट में था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बिकॉज हिंदूज राजपूत देवर द पिलर, ठीक है, वो पिलर की तरह काम करते थे एक एम्पायर, मुगल एम्पायर के लिए, वो उनका सपोर्ट अब धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड आप देखेंगे जो औरंगजेब था उसने एक ऑफिशियल भी अपॉइंट किया था जिसको बोलते थे मुहतासिब। सो ही यूज टू कैप्ट एन आई ऑन द एथिकल बिहेवियर ऑफ द मुस्लिम एंड स्टॉप्ड गैम्बलिंग, ड्रग टेकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो ये पूरी नजर रखते थे। एंड एक तो ये भी चीज थी कि औरंगजेब का खुद का कैरेक्टर ऐसा था, वो भी किसी गलत कामों में इंडल्ज नहीं थे, वो खुद भी गैम्बल नहीं करते थे, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे और प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं थे। और वो वही चीज चाहते थे कि उसके एम्पायर में जितने लोग हैं वो सब ऐसे ही रहे। बट ही वॉज अ स्ट्रिक्ट, डेफिनेटली वॉज अ स्ट्रिक्ट स्टॉन्च सुन्नी की वो किसी भी कट्टर था वो एक तरीके से। और इसी वजह से आप देखोगे जो जिजिया टैक्स अकबर ने हटा दिया था वो इसने दोबारा से इम्पोज कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे ही बैन वॉज इम्पोज ऑन हिंदू स्कूल्स एंड फेस्टिवल्स। औरंगजेब हैड डिसमिस कोर्टियर म्यूजिशियन एंड हिस्टोरियंस एंड स्टॉप द ट्रेडिशन ऑफ तुलादान। ही रिमूव्ड हिंदूज फ्रॉम इवन द लोअर पोस्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड डिसाइडेड टू अपॉइंट मुस्लिम्स इन देयर प्लेस। तो आप देखोगे जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है सबसे हिंदूज को हटा दिया, इवन की जो लोअर पोस्ट है उनसे भी हिंदूज को हटा दिया। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो हिंदूज हैं वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाएंगे रूलर के। एंड आप देखोगे वो मुगल एम्पायर के धीरे धीरे वो अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इंटरनल रिवोल्ट्स आपको इस वजह से देखने को मिलेंगे। एंड दिस लेड टू दी अगेन डाउनफॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे औरंगजेब एंटी शिया पॉलिसी। तो देखिए, एक तो हिंदूज के खिलाफ वो था ही, इसके साथ ही वाज एंटी शिया आल्सो बिकॉज ही वाज अ स्टॉन्च सुन्नी। तो वो किसी और, क्योंकि देखिए जो इस्लाम है वो भी सुन्ना शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है। सुन्नी थोड़े कट्टर होते हैं, शिया थोड़े लिबरल होते हैं, तो वो शियास के भी अगेंस्ट था। औरंगजेब हु वॉज अ फेनेटिक टू द कोर वॉज डिटरमाइंड टू एक्सटर्पेट हेरेसी इन इंडिया एंड ही टर्न्ड अगेंस्ट द शियाज एज मच एज ही टर्न्ड अगेंस्ट द हिंदूज। एंड द बाइगेटेड औरंगजेब नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द शियाज इन द मैटर्स ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट बट ही इवन पुट डाउन एंड स्लैश देयर टीचिंग्स, देयर स्कूल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, सारी चीजों को, सबसे सब जो शियाज थे उनको भी पोस्ट से हटा दिया, इसके साथ साथ उनकी टीचिंग्स, ठीक है, उनकी जो स्कूल्स थे रिलीजियस
प्रैक्टिसेस थी उसको भी उन्होंने एक तरीके से रोक लगा दी उसके ऊपर भी। और आप देखेंगे कि देखो शियाज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ में, ठीक है, मुगल एम्पायर की ग्रोथ में। एंड ये जो लोग थे वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास थी। एंड ये अकबर के कोर्ट में आप देखोगे, जहांगीर के, शाहजहां पे, तो दिस ये जो शियाज होते थे, देवर वेरी ब्रिलियंट, देवर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड जिसकी वजह से देवर प्रोफिशिएंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और बिकॉज उन्होंने इनके ऊपर एक तरीके से ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी विच वॉज अगेंस्ट एंटी, विच वॉज अगेंस्ट द शियाज, तो जिसकी वजह से उनको उनका अब जो एक सपोर्ट है वो अब उनके हाथ से चला जाता है। एंड द रिजल्ट वॉज दैट नॉट ओनली डिड द माइग्रेशन ऑफ फ्रेश टैलेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू एन एंड, बट इन इंडिया ऑल्सो इट रिसीव्ड शैटरिंग ब्लो ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ पेट्रोनेज एंड एक्टिव हॉस्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलर ग्रुप के अगर अगेंस्ट हो जाते हो तो आपको उनका सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, एंड एक तरीके से आपने एक पूरी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो खो दी है। तो दिस लेड टू द डाउनफॉल अगेन Now, vastness of the Mughal Empire under Aurangzeb. देखिए औरंगजेब के समय तक आते आते जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, ठीक है, और उतने बड़े एम्पायर को संभालना एक रूलर के लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से औरंगजेब ने डेक्कन में गोलकुंडा और बीजापुर तक जो है एक्सपेंशन कर दी थी, और इतने बड़े एम्पायर को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, विच लेड टू दी अगेन डाउनफॉल। एंड नेक्स्ट आता है औरंगजेब डेक्कन कैंपेन, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जो है काफी समय तक वो अपने डेक्कन कैंपेन्स में इंडल्ज रहे, जिसकी वजह से वो आप देखोगे ही स्पेंड 26 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन डेक्कन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ में, क्योंकि 26 साल तो रूलर ने यही निकाल दिया, तो नॉर्थ में उसके पीछे फिर नोबल्स दे बिकेम पावरफुल और उनका जो मन आ रहा था वो करते थे। तो इस तरीके से क्या है कि काफी गैप आ जाता है, एंड मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो जो औरंगजेब यहाँ था तो नॉर्थ में रिवोल्ट था, जब वो नॉर्थ में जाता था तो डेक्कन में रिवोल्ट हो जाता था, और इतने बड़े एरिया को क्योंकि औरंगजेब किसी और के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करता था, वो चाहता था हर एक चीज को खुद ही कंट्रोल करे, तो जब वो इन सब चीजों में इंडल्ज था तो उसको सारी चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, अगेन विच लेड टू द डाउनफॉल। एंड क्या था, बिकॉज डेक्कन में जब वो बैटल्स फाइट कर रहा है तो उसमें बैटल्स के लिए आपको पैसा भी चाहिए, तो क्या है कि काफी पैसा आपका वहीं पे जो है बर्बाद हो जाता है, तो जिसकी वजह से इट लेड टू द इकोनॉमिक बैंकरप्सी आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज औरंगजेब सस्पिशियस नेचर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता था, वो ना वो अपने बेटों पे भी, यहां तक कि ना नोबल्स ना जनरल्स, अपने खुद के बेटों पे भी वो भरोसा नहीं करता था, काफी सस्पिशियस था। सो जिसकी वजह से आप अकेले तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल सकते, तो वो किसी को का भी सपोर्ट वो पसंद नहीं करता था। सो एनदर आउटकम ऑफ हिज, जिसकी वजह से क्या है कि वो कोशिश करता था सारी पावर उसके हाथ में हो, तो अब इतने बड़े एम्पायर को अगर आप संभालोगे सिंगल हैंडेडली, सो इट इज नॉट, वो अच्छे से फिर आप डेफिनेटली उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका नहीं संभाल पाएंगे, एंड वो धीरे धीरे फिर आपके हाथों से जाने लगेगा। तो दिस हैपेंड, और एक आउटकम जो था उसके सस्पिशन नेचर का वॉज दैट Whatever he sent an expedition, he put whenever, मतलब जब भी वो कहीं पे भी किसी को भी expedition के लिए भेजता था तो वो एक ही काम के लिए दो लोगों को इंचार्ज बनाता था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, ये दोनों आपस में ही कंफ्यूज रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, ठीक है, तो दोनों में कोई किसी की नहीं सुनता था, जिससे क्या है कि आप देखो कि इन एफिशिएंसी आई, तो वो कोई भी बैटल्स जो है वो जीत नहीं पाए, एंड उसके बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन भी वो फिर इस वजह से ढंग से संभाल नहीं पाए। नाउ नेक्स्ट इज द मुगल रूल वाज एलियन एंड हेंस अनपॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज ऐसा बोलते हैं मुगल्स, क्योंकि बाहर से आए थे तो वो कहीं भी कभी भी इंडिया में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाए, और वो यही मानते थे कि उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे कि वो यहाँ पे सेटल हो पाए, और वो हमेशा अपने आप को अलग ही मानते थे, जिस वजह से वो यहाँ के लोगों को विन ओवर नहीं कर पाए, एंड दैट इज द रीजन देवर वेरी अनपॉपुलर इन इंडिया, अगेन विच लेड टू द डाउनफॉल, क्योंकि उनको कभी भी वो पूरी ना वो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया, एंड लोगों ने भी यहां के उनको एक्सेप्ट नहीं किया इस वजह से, एक्सेप्ट अकबर, क्योंकि अकबर ने देखिए राजपूत प्रिंसेस से शादी करी, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंट थे, उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, तो ही वाज द ओनली रूलर आप समहाउ देखोगे, ठीक है, बट उसके बाद जो भी रूलर्स आए वो ये चीज करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए इसके बाद, एंड स्पेशली औरंगजेब। नेक्स्ट आता है वीक एंड वर्थलेस सक्सेसेस ऑफ औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब के टाइम तक तो फिर भी वो मैनेज
कर पाए, बट उसके बाद जो सक्सेसेस आए दे वर वेरी वीक, ठीक है, तो जो कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए. सो द लेटर मुगल किंग्स आफ्टर 1707 AD डिड नॉट पोजेसेस एनी ऑफ द ग्रेट वर्च्यूज ऑफ देयर एंसेस्टर्स लाइक बाबर, अकबर, शाहजहां, हु वर ग्रेट रूलर्स. Unfortunately, all of them were worthless and lacked the will and capacity to rule. ठीक है, तो देखिए क्योंकि उनके पास इतना पैसा था, इतना बड़ा एम्पायर था, तो वो अपनी लग्जरी में ही खोए रहते थे और उनको कोई ध्यान नहीं था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको प्रोग्रेस किया जाए, which led to the again downfall. तो आप देखेंगे 1526 से 1707 तक सेवन मोनार्क्स जो है उन्होंने मुगल गद्दी को संभाला. उसके बाद 1707 से 61 तक 10 मोनार्क्स वर देयर who ascended the throne. So immediate successor जो थे औरंगजेब के, that was बहादुर शाह वन, who was old in age but young in experience. As such was called Shah e Bekhabar. इसीलिए उनको Shah e Bekhabar बोला जाता था on account of his inexperience in the art of administration which he sadly neglected. क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपको administration कैसे करना है, जिसकी वजह से उनको Shah e Bekhabar भी बोला जाता था और इस वजह से उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही neglect किया. उसके बाद बहादुर शाह का successor था जहांदर शाह, इसको बिग फूल बोला जाता था and because उसको कोई भी idea नहीं था administration से related. इसके बाद जहांदर शाह को सक्सीड करते हैं फारूक सियार, who too proved to be worthless in superlative degree. तो आप देखोगे ये सारे weak and worthless king रहे हैं and he was very coward also. इसके बाद जो another औरंगजेब successors named मोहम्मद शाह, उसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बुलाया जाता है because वो सारा time अपनी luxury में ostentation and pleasures of the haram. He was indulgent on these things and neglected the administration. And after 1707 the monarchs were elected to the throne by the nobles. देखिए क्योंकि अब नोबल्स के हाथ में ये पपेट की तरह ही है, तो नोबल्स जैसे उनको मन करता था उसको चलाते थे और हमेशा कोशिश करते थे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की. सो द कंडीशन ऑफ द लेटर मुगल मोनार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट इन 1765 AD द मुगल एम्परर शाह आलम टू हैड टू स्टे एट इलाहाबाद एंड ही वाज अ पेंशनर इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 1765 टू 1771 AD. ठीक है, तो वर्चुअली आप देखो को उनको किडनैप करके रखा था. ही वॉज जस्ट अ पेंशनर. एंड जो लास्ट मुगल किंग थे बहादुर शाह टू, ही ट्राइड एन ओपन कोर्ट फॉर टेकिंग पार्ट इन द ग्रेट म्यूटनी इन 1857. ही वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड बट ही डाइड बिफोर दैट. तो सबसे लास्ट जो रूलर थे मुगल एम्पायर के वो थे बहादुर शाह टू. उन्होंने कोशिश करी जो ये 1857 का विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट करने की, बट उसके बाद उनको वैसे उन्होंने बोलते हैं एग्जीक्यूट किया गया था, बट ऐसा कहा जाता था उससे पहले ही उन्होंने अपनी जान दे दी थी. सो द अबव फैक्ट शोज दैट हाउ पिटिएबल एंड मिजरेबल द प्लाइट ऑफ लेटर मुगल्स वाज एंड दस एंडेड इन 1880 द मुगल डायनेस्टी ऑफ अ माइटी पावर विच हैड स्टार्टेड इन 1526 AD. तो आप देखोगे अल्टीमेटली बिकॉज सक्सेसेस इतने वीक थे तो ये जो डायनेस्टी है वो 1880 में जो है इसका एंड हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर रीजंस फॉर विच औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी डाउनफॉल, रीजंस ऑफ द डाउनफॉल. तो इसमें आपने पहले जनरल रीजंस भी बताने हैं क्या कॉजेज है. अगर आपसे सिर्फ स्पेशली औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप यही सब बताएंगे, थोड़े जनरल कॉजेज भी डिस्कस करेंगे और फिर औरंगजेब के ऊपर आएंगे एंड देन इन द एंड यू विल गोइंग टू राइट डाउन द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन पे आप ये सारे ही कॉजेज को आपको डिस्कस करना है कि किस क्या रीजंस थे. सो देखिए एक रीजन तो नहीं होता कभी भी डाउनफॉल का, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ऑल टुगेदर विच लेड टू द डाउनफॉल. तो ये कुछ एक वीक सक्सेसर्स थे मुगल, देखो आप देखोगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे कॉजेज जो हैं दिस लेड टू द वीकनिंग एंड टॉटरिंग ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड जो एक तो रूलर्स थे उसके बाद आप इन्वेजन का सामना करना पड़ रहा था, वास्टनेस का एम्पायर था. सो ऑल दिस रीजंस ऑल टुगेदर लेड टू द डाउनफॉल. आप इसी को रिपीट कर सकते हैं चाहे तो. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डाउनफॉल. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you so much for watching this video and please everybody, I've seen ki many of you watch the video but do not subscribe the channel. Please do not do that. Please subscribe the channel if you want to see such more videos and thank you so much once again.
I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.